ज़िमनी सवाल है इसी पूरी गुफ्तगू के बीच से। आपने कहा इंटरमिंगल नहीं हो सकते ये दोनों मर्द और औरत, लेकिन अगर औरत व्हील में है, नकाब में है, इस हिजाब के अंदर है, ऐसे में वो काम कर सकती है, ऐसे में इंटरमिंगल्ड हो सकती है उस सोसाइटी के अंदर, जी ऑफिस के अंदर। देखिए मिसाल के तौर पे, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा कि क्या हम ये कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर सकती? बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं वो काम नहीं कर सकती, उसके अंदर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। अगर वो काम करती भी है तो वो उसे घर का टेंशन लेके काम नहीं करना है जो मर्द को करना है, क्योंकि अगर वो घर की एक्सपेंसेस का टेंशन लेगी, जैसे अमेरिका में 40% घर ऐसे हैं जो विमेन की अर्निंग से ड्रिवन होते हैं, ड्राइव होते हैं, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो कोई भी कैसा भी फायदा उठा सकता है, उसे हमें और डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर कोई प्रोफेशन है जिसके अंदर औरतें होती है, टीचिंग। अब ऐसे कोई प्रोफेशन में जहां पर औरतों का माहौल है वहां मर्द को नहीं जाना चाहिए। कि मान लीजिए कि इतनी सारी औरतों में कोई मर्द आ गए जॉब करने के लिए वहां पर, और कहीं माहौल है जहां मर्द जॉब करते हैं वहां पे औरत को नहीं आना चाहिए। सेग्रीगेशन होना चाहिए जनरली, और ये सेग्रीगेशन ये इस मॉडल का हिस्सा, और इससे बहुत सारे सोसाइटी को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो हम सबूत के साथ देखेंगे इंशाल्लाह।